नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। झांसी के अंबाबाई में आज बैंक ऑफ बड़ौदा और अनंत सेवा संस्थान के द्वारा पितमपुरा गांव के सभी परिवारों को सोलर लाइट का वितरण किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे एमएलपी बाबूलाल तिवारी ने कार्यक्रम की शुरुआत वृहद वृक्षारोपण करके की है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक ए के महतो ने कहा है कि आज बैंक का 117वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में बैंक द्वारा लोगों को 6,25,00,000 का लोन वितरण किया है। अनंत सेवा संस्थान के अध्यक्ष रितेश साहू ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था और बैंक ने मिलकर आज वृक्षारोपण किया है व ग्रामीणों को सोलर लाइट का वितरण किया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी संस्था के कई मुख्य उद्देश्य है, जितने भी गरीब व वंचित लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके ताकि वो किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा के 117वें स्थापना दिवस के अवसर पर अनंत सेवा संस्थान के साथ मिलकर के आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। आज बैंक के स्थापना दिवस को मनाने का कार्यक्रम था, उस महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम था जिसने बैंक ऑफ बड़ौदा स्टार्ट किया था। और गांववासी लोगों के ग्रामवासियों के लिए अंधेरे में किसी प्रकार का कष्ट ना हो लाइट जाने के बाद, इसलिए एक सोलर लाइट दे करके और उनको जो है एक भेंट दी जा रही है ताकि गाँव वाले अपने जीवन को अच्छी तरह से ये आज बैंक का 117वां स्थापना दिवस है। जो बैंक ने 1960 में जर्नी शुरू की थी उसका 117वां साल हो गया, तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक ऋण वितरण समारोह भी आयोजित किया था, वृक्षारोपण भी किया था, साथ ही साथ सोलर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन का भी आयोजन किया था और इसमें लगभग 6 करोड़ का लगभग ऋण डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दो ही ब्रांच अभी इसमें शामिल है, अंतिया तालाब और बड़ा बाजार, जो कि झांसी में हमारी 6-7 ब्रांचें हैं। सभी का योगदान आएगा तो उसका एक कंसोलिडेटेड फिगर अलग आएगा, लेकिन अभी तो हम दो ब्रांच का ही फिगर बता रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ लोन वितरण किया है। और ये सरोकार, सामाजिक सरोकार लगातार जारी रहेगा, हम और ऊँचाइयों को हासिल करेंगे, ऐसा हमारी प्रेरणा रहेगी आप लोगों की तरफ से और ग्राहक लोगों को चिन्हित करके आपने लोन दिया है। इसमें खास तौर से एमएसएमई क्लाइंट को जोड़ा गया है क्योंकि एमएसएमई के ऊपर गवर्नमेंट का भी जोर है। जी आज हमारी तरफ से, हम आनंद सेवा संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारी तरफ से हमारी संस्था और बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त रूप से सोलर लाइट वितरण किया गया है एवं बृहद वृक्षारोपण किया गया है एवं ऋण वितरण किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी थे एवं श्री ए के महतो क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा आए हुए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके सोलर लाइट का वितरण किया। हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि जितने भी गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं हम उनके लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके ताकि वो उनकी ज़रूरतें पूरी हों एवं बच्चों को शिक्षित, हमारे उद्देश्य में ये भी है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, उनको पढ़ने के लिए सामग्री वितरण किया जाए एवं पर्यावरण की तरफ लोगों को जागरूक किया जाए, बृहद वृक्षारोपण किया जाए, गाँव वालों को जल संरक्षण और जल संचय के बारे में जागरूक किया जाए। ये सब करने के लिए हमारी संस्था का ये उद्देश्य है, जो आगे हम कई काम करेंगे इसकी इस संस्था में। आज करीब कितने लोगों का सोलर लाइट? आज करीब हम 150 लोगों को बांटेंगे।